हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं फाइंड माय डिवाइस सेटिंग को हम कैसे ऑफ कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये नोकिया का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। तो क्लिक कर लेते हैं। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का ये आइकन शो करेगा, आपको इसको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का ये आइकन शो करेगा, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है फाइंड माय डिवाइस। तो हम यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, यहाँ से आपको इसको ऑफ कर देना है। अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपका क्या होता है, जैसे ही आप इसे ऑन करके रखते हैं तो जैसे कि आपका फ़ोन वगैरह खो जाता है, तो इससे बहुत ही आसानी होती है ढूंढने में। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।